दोस्तों, ट्विटर को आज दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शुमार किया जाता है। साथ ही अगर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स की बात की जाए तो उसमें ये पहले नंबर पर आता है। दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, राजनेता और बिजनेसमैन सबसे ज्यादा ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह के फीचर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल नेटवर्क्स लोगों को ऑफर करते हैं, वैसा एक भी एडवांस या फैंसी फीचर ट्विटर में मौजूद नहीं है, जहां आप एक ट्वीट के अंदर मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स का कोई मैसेज या कहें माइक्रो ब्लॉग लिखकर शेयर कर सकते हैं। और ये 280 कैरेक्टर लिमिट भी कुछ साल पहले ही बढ़ाई गई थी, वरना उससे पहले तक ये लिमिट सिर्फ 140 कैरेक्टर्स की हुआ करती थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कुछ खास नजर न आते हुए भी ट्विटर आखिर इतना पॉपुलर क्यों है, और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें फॉलो करके ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट्स में से एक बना है। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ट्विटर की इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर माइक्रो ब्लॉगिंग होती क्या है और इसका यूज किस पर्पस से किया जाता है। असल में माइक्रो ब्लॉग एक ऐसे शॉर्ट मैसेज को कहते हैं जो किसी ऑनलाइन ऑडियंस या फॉलोअर्स के लिए लिखा जाता है। ये शॉर्ट मैसेज कोई न्यूज हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, कोई पॉलिटिकल कैंपेन या फिर कोई पोएट्री भी हो सकती है। और टेक्स्ट मैसेज के अलावा ये माइक्रो ब्लॉग किसी वेब पेज का लिंक, ऑडियो फाइल, इमेज या फिर कोई शॉर्ट वीडियो भी हो सकती है। बहुत सारे बिजनेसेस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स को एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करते हैं। दुनिया में इस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीचैट जैसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर माइक्रो ब्लॉगिंग की जाती है, लेकिन इन सभी में सबसे फेमस प्लेटफॉर्म ट्विटर को माना जाता है, क्योंकि ट्विटर खास तौर से सिर्फ माइक्रो ब्लॉगिंग करने के लिए ही बनाई गई है। और साथ ही में इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसको दूसरी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से बेहतर बनाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्विटर की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी और इनिशियली इसे किस पर्पस से बनाया गया था। असल में ये बात सन 2006 की है, जब 30 साल के अमेरिकन जैक डॉर्सी के मन में एक नया ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया आया। जैक डॉर्सी उस समय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और पढ़ाई के साथ ही वे ओडियो नाम की एक पॉडकास्टिंग कंपनी में काम भी करते थे। डॉर्सी ने अपना ये आइडिया अपने कोवर्कर्स नोवा ग्लास, बिज स्टोन और एवान विलियम्स के साथ शेयर किया। उनका शुरुआती आइडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाना था जिसकी हेल्प से लोग ग्रुप्स में शॉर्ट मैसेजेस शेयर कर सकें। डॉर्सी का ये आइडिया उनके कोवर्कर्स को काफी पसंद आया और उन सभी ने मिलकर तुरंत ही इस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को बनाने का काम शुरू कर दिया। इस तरह सिर्फ कुछ ही महीनों में इस प्लेटफॉर्म का फर्स्ट वर्जन बनकर तैयार हो गया। शुरुआत में ट्विटर डोमेन अवेलेबल नहीं होने की वजह से इसका नाम TWTTR रखा गया, जिसे डोमेन मिलने के बाद बदलकर ट्विटर कर दिया गया। दोस्तों, ट्विटर के फर्स्ट वर्जन को करीब 3 महीने तक सिर्फ ऑडियो कंपनी के एम्प्लॉइज ने ही यूज किया, क्योंकि उस समय ये अपनी प्रोटोटाइप स्टेज में था। लेकिन एक बार जब इसका फुल वर्जन बनकर तैयार हो गया तो 15 जुलाई 2006 के दिन इसे पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया और इस तरह दुनिया को उसका सबसे पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मिला। अब आज की अगर बात करें तो इस समय ट्विटर के मंथली एक्टिव यूजर्स की गिनती लगभग 400 मिलियन और कंपनी की नेटवर्थ $30 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, मार्केट में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे जायंट्स के होते हुए भी ट्विटर जैसा सिंपल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आखिर इतना पॉपुलर और सक्सेसफुल कैसे हुआ, ये ख्याल दिमाग में जरूर आता है। असल में 2006 एक ऐसा दौर था जहां अमेरिका की सिलिकॉन वैली में हर रोज नए नए टेक स्टार्टअप शुरू होते थे। इसी के चलते एक तरफ जहां फाउंडर्स अपने स्टार्टअप्स के लिए हमेशा इन्वेस्टर्स की तलाश में रहते थे, दूसरी तरफ वेंचर कैपिटलिस्ट यानी VCs ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढते थे जिसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय ये लोग मार्केट की अपडेट्स के लिए पूरी तरह मीडिया हाउसेस पर निर्भर थे और मीडिया के साथ दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ उसी न्यूज को कवर करते थे जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगती थी। यानी कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जबरदस्त पोटेंशियल होने के बावजूद भी नजर में नहीं आ पाते थे। ऐसे में सिलिकॉन वैली के अंदर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत थी जो फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और VCs वगैरह के बीच मौजूद अपडेट्स और न्यूज के इस गैप को फिल कर सके, और ट्विटर ने मार्केट में एंटर करके सबसे पहले इसी नीड को पूरा किया। दरअसल ट्विटर के फाउंडर्स ने जब खुद के बिजनेस से जुड़ी अपडेट्स ट्विटर पर पोस्ट करना शुरू किया तो उन अपडेट्स को फॉलो करने के लिए दूसरे फाउंडर्स ने भी ट्विटर को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और इस तरह देखते ही देखते ये फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए उनका एक हब बन गया, जहां उन्हें दूसरे बिजनेस के बारे में अपडेट्स तो मिलते ही थे, साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों के टच में आसानी से रह सकते थे। यानी अब उन्हें सिलिकॉन वैली की अपडेट्स जानने के लिए टीवी पर अलग अलग न्यूज चैनल्स देखने की जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही ट्विटर के आने से उन छोटे स्टार्टअप्स को भी बहुत फायदा हुआ जिन्हें मीडिया हाउसेस द्वारा कभी कवर नहीं किया जाता था। इस तरह लॉन्च होते ही ट्विटर ने सिलिकॉन वैली की एक बड़ी और अहम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और इसी के चलते ट्विटर को स्टार्टिंग में वो पुश मिल गया जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी।
इसके बाद साल 2007 में SXSW नाम की एक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस ट्विटर के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस में ट्विटर की टीम ने भी हिस्सा लिया था और इस मंच के माध्यम से उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि कैसे ट्विटर सिलिकॉन वैली की एक बड़ी और अहम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस ट्विटर के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट कैंपेन साबित हुई, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के होते ही दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स ने ट्विटर को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि ट्विटर यूजर्स की गिनती रातों रात कई गुना बढ़ गई। पहले जहां ट्विटर पर हर रोज 20,000 ट्वीट आते थे, वहीं इस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन से इस पर 60,000 ट्वीट आने लगे। इसके बाद ट्विटर ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज की अगर बात करें तो ट्विटर पर आने वाली डेली ट्वीट की संख्या लगभग 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ट्विटर जो काम कर रहा था वही सेम काम फेसबुक या दूसरी किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी इजिली किया जा सकता था, तो फिर ट्विटर के अंदर ऐसी क्या खास बात थी जिसने इसे औरों से अलग बनाया? असल में दोस्तों, ट्विटर की सबसे खास बात ये रही कि इसकी टीम ने हमेशा यूजर्स की जरूरत के हिसाब से काम किया और अपने इस प्लेटफॉर्म को सिंपल रखते हुए यूजर्स को वो सभी फीचर्स प्रोवाइड किए जिसकी उन्हें एक्चुअली जरूरत थी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जब देखा कि लोग ये चाहते हैं कि जब वो खास तौर से किसी पर्टिकुलर पर्सन या यूजर के लिए ट्वीट लिखें तो उस यूजर को उनके उस ट्वीट के बारे में पता चले, तो ऐसे में ट्विटर की टीम ने अपने इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को मेंशन करने का फीचर ऐड कर दिया। इसी तरह जब लोगों को ट्वीट सर्च करने की जरूरत पड़ी तो ट्विटर टीम ने यूजर्स को इसका सॉल्यूशन हैशटैग के रूप में दिया। और सबसे अहम बात, ट्विटर ने अपना पूरा फोकस सिर्फ माइक्रो ब्लॉगिंग में ही रखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। खैर दोस्तों, अभी तक जो हमने बात की वो सिर्फ ट्विटर की ग्रोथ और सक्सेस के बारे में थी, लेकिन चलिए अब हम आपको ट्विटर से जुड़े कुछ ऐसे चैलेंजेस और इश्यूज के बारे में बताते हैं जिन्हें वो आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। इसमें सबसे पहला इशू है ट्विटर का लो प्रॉफिट। दरअसल ट्विटर जो ऊपर से एक हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी नजर आती है, इन रियलिटी ये इतनी प्रॉफिटेबल है नहीं। इनफैक्ट जब से ट्विटर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इसके सिर्फ 1-2 साल ही ऐसे गुजरे हैं जिसमें ये प्रॉफिटेबल रही है, वरना बाकी के समय ट्विटर लॉस में ही नजर आया है। असल में ट्विटर अपने रेवेन्यू के लिए पूरी तरह सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि दूसरे सोशल नेटवर्क्स की तुलना में ट्विटर की एडवर्टाइजिंग एल्गोरिथम काफी कमजोर है। इसके अलावा ट्विटर का दूसरा बड़ा इशू है इसकी स्लो यूजर ग्रोथ। ट्विटर ने शुरुआत के कुछ साल तो बहुत तेजी से ग्रो किया था, लेकिन इसके बाद से इसके ग्रो करने की रफ्तार कुछ थम सी गई। अगर इसके मंथली एक्टिव यूजर्स का डेटा देखा जाए तो पता चलता है कि पिछले कई सालों से इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। वैसे तो ट्विटर को इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन नए यूजर्स के लिए ट्विटर की फंक्शनैलिटी को समझना बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जो इसकी स्लो ग्रोथ होने के पीछे एक अहम रीजन है। इन सबके अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह ही ट्विटर पर भी हैरेसमेंट और ट्रोलिंग जैसी चीजें एक बड़ा इशू है, और बढ़ते हुए फेक एंड बॉट अकाउंट भी ट्विटर की रिलायबिलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करती है। इन सभी इश्यूज पर ट्विटर काम तो कर रहा है, पर अभी तक कोई मजबूत सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। खैर चलिए अब लास्ट में बात करते हैं ट्विटर की इस स्टोरी से हमें कौन से लेसन सीखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज ट्विटर से हमें ये सीखने को मिलती है कि कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को जिस पर्पज के लिए बनाया गया है वो अचीव हो रहा है या नहीं। ठीक वैसे ही जैसे ट्विटर की टीम ने अपने प्लेटफॉर्म को शुरुआत से ही सिंपल और माइक्रो ब्लॉगिंग पर बेस्ड रखा, ज्यादा फीचर्स ऐड करने के चक्कर में इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया और इसी वजह से लोगों ने इसे काफी पसंद किया। इसके बाद दूसरा लेसन हमें ये मिलता है कि प्रोडक्ट के एक बार बन जाने के बाद हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि कस्टमर की नीड और मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ट्विटर की टीम इसको इम्प्रूव करती रही। और लास्ट में तीसरा लेसन हमें ये मिलता है कि दूसरी सभी चीजों के साथ साथ हमें अपने रेवेन्यू मॉडल को भी स्ट्रांग बनाने पर बराबर काम करना चाहिए। दरअसल ट्विटर ने ये गलती की कि वो अपने रेवेन्यू मॉडल यानी एडवर्टाइजिंग को कभी स्ट्रांग नहीं बना पाए, जिसकी वजह से कई सालों तक उन्हें लॉस झेलना पड़ा। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।